छतरपुर से एक बेहद ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। घटना राजनगर थाना की है, जहां एक मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल मृतिका मोहिनी अपने चचेरे भाई के साथ मंदिर में दिया रखने जा रही थी, तभी एक अधेड़ शख्स गोवर्धन ने बच्ची को पकड़कर पास में बने कुएं में फेंका, फिर उस पर ईंट फेंक कर मारी, जिससे नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। साथ में मौजूद दो चचेरे भाई अपनी जान बचाकर भागे, जिसमें एक भाई के भी हाथ में चोट आई है। घटना गुरुवार शाम की है। करीब 2 से 3 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देर रात अपराधी गोवर्धन पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। खजुराहो SDOP सलील शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला और कार्रवाई करते हुए देर रात आरोपी गोवर्धन पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खेत में छुपा बैठा था, साथ ही अग्रिम कार्रवाई करते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए राजनगर स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है और जो उसका छोटा भाई था उसका भी मेडिकल कराया गया है। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। देवकुलिया गांव जो कि थाना राजनगर के अंतर्गत आता है, उसमें गांव के गोवर्धन पटेल नाम के व्यक्ति ने, पौने 9 साल की श्रीवास परिवार की एक बच्ची को, जो अपने भाई 6 साल के भाई के साथ मंदिर की माता की मड़िया में दीपक रखने जा रही थी, उसको पुरानी किसी बात को चिढ़ाने को लेके कुएं में गिरा दिया और उसको ऊपर से ईंटें भी उसके ऊपर मारी। ये लगभग 5:30-6 बजे की घटना है, जिससे उस बालिका की मृत्यु हो गई। पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, पुलिस ने बहुत त्वरित गति के साथ पूरी टीम के साथ पहुंच करके आरोपी गोवर्धन पटेल को पुलिस हिरासत में लिया, बच्ची को निकलवाया। जब तक उसको निकलवा के चेक किया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसको अग्रिम कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। उसका जो छोटा भाई था उसका भी मेडिकल कराया गया है। और पुलिस हमारी लड़की को कुआं में फेंक दिया और पत्थर फेंक कर चलो मन नहीं गई के हम तो एक वो तो माता की संध्या करने जा रही थी तो बेटा को उठा करके फेंक दी चप्पल से चाप लाई पहले और लड़की को कुआं में फेंक दिया मेरे बेटी को। अरे मेरे जन्मदिन का लड़का था और मेरा छोटा सा देवर था चाचा का लड़का।